हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप गाइस यू ऑल आर फाइन। आई एम देवेश यादव, पीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड आईपी। गाइस, एज यू ऑल नो, इन लास्ट क्लासेस वी डिस्कस्ड अबाउट सम पॉइंट दैट आर रिलेटेड टू कंप्यूटर बेसिक्स। इन दिस मॉड्यूल और इन टुडे वीडियो वी डिस्कस अबाउट कंप्यूटर बेसिक्स अनदर पॉइंट दैट इज मेमोरी यूनिट एंड मदर बोर्ड। ठीक है बेटा, हमारी जो लास्ट क्लासेस थी उसके अंदर हमने कंप्यूटर बेसिक्स से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स थे जिनके बारे में डिस्कस किया था, जहां हमने जाना था कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट क्या है, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या रोल है, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का क्या रोल है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। आज भी हम हमारी 11th स्टैंडर्ड की कंप्यूटर बेसिक्स की क्लास में बेसिक के दो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो है मेमोरी यूनिट और वो है आपका मदर बोर्ड। मेमोरी यूनिट क्या होती है आपको सबसे पहले यही समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, आपके पास इतना कोई स्पेस है और इस स्पेस के अंदर आपने इतने में अपना डेटा स्टोर कर रखा है, तो ये जो आपका डेटा स्टोर कर रखा है ना आपने, इसे हम क्या कहेंगे, मेमोरी यूनिट कहेंगे। समझना मेरी बात को। फॉर एग्जांपल आपका मेमोरी कार्ड या आपकी पेन ड्राइव 1 GB की है और उसमें 100 MB के आसपास आपने डेटा या गानों को स्टोर कर रखा है, तो वो जो 100 MB है ना, 100 MB, वो क्या है, आपकी मेमोरी यूनिट है। तो बात को ढंग से समझना, क्या लिखा है, मेमोरी यूनिट इट्स अ अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन स्टोरेज यूनिट। एक स्टोरेज यूनिट में जितना डेटा रखा है, उस डेटा का जो टोटल है, उसका जो अमाउंट है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे यहाँ पे मेमोरी यूनिट। क्लियर है? आप सभी को पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके मशीन लैंग्वेज ही समझ आती है, तो कंप्यूटर जो भी डेटा स्टोर करता है अपने अंदर, वो पूरा डेटा स्टोर करता है 0 और 1 की फॉर्म में, यानी बिट वैल्यू। किस में स्टोर करता है, बिट वैल्यू में। और यहाँ पे 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। जो भी सिग्नल पास होंगे वो डिजिटल सिग्नल पास होंगे, बिट की फॉर्म में पास होंगे, और जो भी जानकारी स्टोर हो रही है वो सब बिट्स से मिलके स्टोर हो रही है। हो सकता है बिट मिलके KB MB के आसपास साइज बना लेते हैं, तो 0 और 1 के अंदर ही हमारा पूरा डेटा स्टोर होता है। और हमारी स्टोरेज डिवाइस में या स्टोरेज यूनिट में, यानी हमारी मेमोरी में जितना डेटा स्टोर है, उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी यूनिट कहते हैं। क्लियर है बेटा? मेमोरी कुछ इस तरीके से होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जब 1024 यानी 1024 बाइट्स मिलते हैं, तो हमारा बनता है 1 KB। क्या बनता है बेटा, 1 KB। क्लियर है? KB। जब 1024 KB मिलते हैं तो हमारा बनता है 1 MB। MB को कहते हैं मेगाबाइट। क्या कहते हैं, मेगाबाइट। जब 1024 मेगाबाइट मिलते हैं तो बनता है 1 GB, जिसे हम कहते हैं गीगाबाइट। क्या कहते हैं बेटा, गीगाबाइट। क्लियर है? जब 1024 गीगाबाइट मिलते हैं तो हम बनाते हैं 1 TB, जिसे हम कहते हैं टेराबाइट। और 1024 टेराबाइट मिलते हैं तो बनता है आपका 1 PB। सो समझने की चीज क्या थी, कि इतनी इतनी यूनिट्स मिलती हैं, इतने इतने बिट मिलते हैं, तो बाइट बनती है। बाइट बनने के बाद फिर 1024 बाइट मिलती है तो 1 KB बनता है, 1024 KB मिलते हैं तो 1 MB यानी आपका मेगाबाइट बनता है, 1024 मेगाबाइट मिलते हैं तो आपका गीगाबाइट बनता है, और 1024 गीगाबाइट मिलते हैं तो आपका 1 TB मिलता है। क्लियर? और 1024 टेराबाइट मिलते हैं तो 1 PB कहता है। हम तो GB के अंदर ही खुश है, बात हो रही है टेराबाइट, और टेराबाइट के भी बात हो रही है पेटाबाइट की। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी कंपनियां इन्हें काम में लेती है, बट हमारे पर्सनल यूज के लिए हम पेटाबाइट काम में नहीं लेते हैं। आजकल लैपटॉप्स वगैरह में और इनके अंदर टेराबाइट आने लग गई है। क्लियर है? तो मेमोरी यूनिट और मेमोरी कुछ इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बड़ी के अंदर कन्वर्ट होती है, तो वो चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की है। क्लियर है बेटा, कंप्यूटर बेसिक्स का मेमोरी यूनिट। अब अगला जो टॉपिक है कंप्यूटर बेसिक्स का, उसका नाम है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आप सभी को पता है, आपका जो CPU आता है उसके अंदर एक बोर्ड लगा हुआ आता है जो ग्रीन से कलर का शो होता है, जिसके ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, ICs, सर्किट्स, पोर्ट, सब कुछ चीजें वहां पर असेंबल होती है। तो इसेंशियल पार्ट मदरबोर्ड है, जहां से आपका पूरा सिस्टम एग्जीक्यूट होता है। तो देखो क्या लिखा है, मदरबोर्ड सर्व्स अ सिंगल प्लेटफॉर्म। मदरबोर्ड आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म दे रहा है। अगर हम बात करें तो यहां ड्रॉ कर देता हूं, आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म दे रहा है
कनेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जहां पे कंप्यूटर के सभी पार्ट्स आके कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, चाहे आपका वीडियो साउंड कार्ड हो, या आपके जो भी पोर्ट हैं, चाहे वो आपके यूएसबी पोर्ट हो, सीरियल या पैरेलल पोर्ट हो, वो सब कहाँ आके कनेक्ट हो जाते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट हो जाते हैं। तो मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड एक बोर्ड है जिसके ऊपर हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है, जिसके ऊपर हमारे सारे पोर्ट्स हैं, हम हमारे कंप्यूटर की सारी डिवाइसेस जो भी हैं वो मदरबोर्ड के थ्रू कनेक्ट करते हैं, हमारे रिमेनिंग जो भी पार्ट्स हैं वो सब किससे कनेक्ट हो जाते हैं, हमारे सिस्टम से कनेक्ट हो जाते हैं, हार्डवेयर की फॉर्म के अंदर होता है। कुछ लीडिंग कंपनीज के मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं जो मदरबोर्ड बनाती हैं आज के टाइम में। इंटेल आप सभी को पता है लीडिंग है, इंटेल बहुत सारे तरीके के मदरबोर्ड बनाता है, जैसे कि हम बात करें जो P4 से रिलेटेड आते हैं या फिर ड्यूल कोर से रिलेटेड आते हैं। ये P4 ड्यूल कोर एक्चुअल में मदरबोर्ड के नाम नहीं है, ये प्रोसेसर के नाम है, मगर इन प्रोसेसर के अकॉर्डिंग मदरबोर्ड को तैयार किया जाता है। प्रोसेसर क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसके बाद। ASUS एक लीडिंग कंपनी है, इसके मोबाइल भी आते हैं जो कहीं ना कहीं मदरबोर्ड बना रहे। ए ओपन कंपनी है, ए बिट कंपनी है, बायोस्टार है, गीगाबाइट है, और आपकी MSI, ये आपकी कुछ कंपनीज हैं। 7 कंपनियों के मैंने नाम लिखे हैं जो लीडिंग कंपनीज हैं, जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर मदरबोर्ड बनाने का काम कर रही है। क्लियर है? तो मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म, आपको एक ऐसा फिजिकल फॉर्म के अंदर जगह दे रहा है, जहां पर आप अपनी जो भी डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर है, चाहे वो इनपुट आउटपुट कोई भी हो, उन सबको सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हो। आप अपनी मेमोरी को वहां पर अटैच करके असेंबल कर सकते हो, वो सब काम किसका है? आपके मदरबोर्ड का है। और ये कुछ लीडिंग कंपनीज हैं जो कहीं ना कहीं मदरबोर्ड बनाने का काम करती है। क्लियर है बेटा? आज कंप्यूटर बेसिक्स की क्लास हुई है, जिसमें 2 टॉपिक डिस्कस हुए हैं। दोबारा बता रहा हूँ, मेमोरी यूनिट, आपके स्टोरेज डिवाइस के अंदर जितना डेटा स्टोर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी यूनिट से। कंप्यूटर में डेटा 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है, बिट की फॉर्म में। बिट मिलके बाइट बनाते हैं, बाइट मिलके किलोबाइट बनाते हैं, किलोबाइट मिलके मेगाबाइट बनाते हैं, मेगाबाइट मिलके आपके गीगाबाइट बनाते हैं, गीगाबाइट मिलके आपके टेराबाइट बनाते हैं, और टेराबाइट मिलके आपके पेटाबाइट बनाते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये मेमोरी थी, और मदरबोर्ड आपका एसेंशियल कंपोनेंट जहां से सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती है। क्लियर है? तो कंप्यूटर बेसिक्स की बहुत सी क्लासें हो चुकी है, 2-3 और होने देते हैं जिससे सब कुछ क्लियर रहेगा। तो इससे क्या है, बेसिक्स सारा क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक्स की बात करें, कंप्यूटर क्या है, उसमें इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, मेमोरी क्या होती है, रैम और रोम में अंतर क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, वो डिस्कस करना है। क्लियर है? जनरेशंस, कितनी जनरेशंस के कंप्यूटर थे, क्लासिफिकेशन, स्टोरेज, परफॉर्मेंस के हिसाब से हर एक चीज हमें डिस्कस करनी है, मेमोरी यूनिट्स क्या है, मदरबोर्ड क्या होता है। तो ये सब बेटा आपके कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में था। हमारे कोर्स में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, मगर कोर्स शुरू करने से पहले, प्रोग्रामिंग लिखने से पहले, लैंग्वेज करने से पहले कंप्यूटर बेसिक्स तो पढ़ो। तो बेसिक्स हो चुका है, और एक टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करा देते हैं जिसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर, यानी जो सीपीयू आप बोलते हो ना, एक्चुअल में वही क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। और आपके मोबाइल में और आपके कंप्यूटर में उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर है बेटा? आई होप आपको मेमोरी यूनिट और मदरबोर्ड समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।